नमस्कार दोस्तों, प्रद्युमन के हत्यारे को सजा दिलाने के लिए इन बच्चों की गवाही सुनकर हर कोई सन्न रह गया। हरियाणा के गुरुग्राम में 7 साल के छात्र प्रद्युमन की हत्या के पूरा देश सदमे में है। अभिभावक आखिर किसके भरोसे बच्चों को स्कूल भेजे, इस चिंता ने हर माँ बाप की नींद उड़ा दी है। पुलिस के अनुसार प्रद्युमन का हत्यारा बस कंडक्टर ही है, जो की पुलिस हिरासत में है। इसी बीच बच्चे के क्लास में ही पने वाले दो मासूम बच्चों ने कोर्ट में जाकर अपने दोस्त के कातिल को सजा दिलाने के लिए जज के सामने निर्भीक होकर गवाही दी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये दोनों बच्चे चेउसी बाथरूम में गए थे जिसमें प्रद्युमन का कत्ल किया गया। प्रद्युमन मर्डर केस के सबसे सच्चे गवाह। आपको बता दें कि रयान स्कूल में पने वाले ये दोनों छात्र कराटे सीखते हैं और रोज की तरह वो सीखने का बाद बाथरूम में कपड़े बदलने के लिए गए थे। जब वो निकल रहे थे, प्रद्युमन अंदर गया और वहां कंडक्टर भी मौजूद था। यही दोनों बच्चे इस केस के सबसे सच्चे गवाह के रूप में सामने आए हैं। जज ने बच्चों के हौसले की तारीफ की। जज ने यह भी तय किया कि कहीं बच्चों की फुसलाया तो नहीं गया है। इसके बाद धारा 164 के अंतर्गत बच्चों ने अपनी गवाही दर्ज कराई। जज के साथ पुलिस ने भी इन दोनों बच्चों के हौसले को सलाम किया था। अड़ी सी और ताकत लगाता कातिल तो अलग हो जाती गर्दन। डॉक्टर दीपक माथुर ने बताया कि पोस्टमार्टम जांच के दौरान पता चला कि प्रद्युमन की मौत ज्यादा खून बह जाने से हुई थी और बच्चे के साथ किसी भी तरह की यौन शोषण से संबंधित कोई निशान नहीं मिले हैं। डॉक्टर ने यह भी कहा कि बच्चे की हत्या में एक व्यक्ति ही शामिल है, इसके चांस ज्यादा है। बच्चे के गले पर 2 बार वार किया गया, जिसमें से पहले वार हल्का था लेकिन दूसरा वार बच्चे की गर्दन के इतने अंदर तक लगा कि कातिल अगर थोड़ी सी और ताकत लगा देता तो गर्दन अलग जो जाती। बच्चे ने ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट में ही दम तोड़ दिया था। नहीं हुआ था यौन शोषण। दरअसल पुलिस की जांच भी सवालों के घेरे में है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस का कहना है कि कंडक्टर ने बच्चे के साथ यौन शोषण करने की कोशिश की, नाकाम रहने पर उसने बच्चे की चाकू से गर्दन काटकर हत्या कर दी। जबकि डॉक्टर रका कहना है कि बच्चे के साथ किसी तरह के यौन शोषण के निशान नहीं मिले हैं। घटना के वक्त मौजूद बस ड्राइवर ने बातचीत करते हुए कहा कि घटना के बाद कंडक्टर वही मौजूद था और उसने ही प्रद्युमन को बाथरूम से उठ कार अस्पताल ले जाने के लिए कार तक पहुंचाया था, जिससे उसका पूरा कपड़ा खून से भीग गया था। अपने बच्चे की फीस भरने आए एक अभिभावक ने भी यही बात कही है। अब सवाल यह है कि अगर कंडक्टर ही हत्यारा है तो उसने हत्या करने के बाद भागने की कोशिश क्यों नहीं की? बच्चे की हत्या करने के बाद कंडक्टर ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाने में मदद क्यों की? दोस्तों